सबसे पहले तो मैं आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आधार को लेकर निजी जानकारियां लीक होने की चिंता जताई गई सदन में माननीय, लेकिन इसके साथ साथ एक घटना का जिक्र अभी विनय विश्वम जी ने उड़ीसा का किया, और हमको भूलना नहीं चाहिए कि आजादी के 70 साल के बाद झारखंड के अंदर 14 साल की संतोषी की मौत इसलिए हो गई थी कि उसके आधार को राशन के साथ नहीं जोड़ा गया था, उसको राशन देने से राशन के दुकानदार ने मना किया, और जिसके कारण सिमडेगा जिले में झारखंड के अंदर एक बच्ची की भूख से मौत हो गई थी। माननीय, इस सच को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। निजी जानकारियां अगर लीक होने की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चित जो मामला हिंदुस्तान में सामने आया वो आया क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का डेटा लीक हो गया माननीय, और ये आप मानते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। महेंद्र सिंह धोनी का डेटा लीक होने के बाद आपने उस सेंटर जो आधार सेंटर था उसको 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया, आपने किया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप खुद स्वीकार करते हैं कि किसी आधार सेंटर से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, उसका पूरा डेटा लीक किया जा सकता है, क्योंकि आपने उस सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया माननीय। इसके साथ साथ अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन तमाम अनिवार्यताओं को खत्म करने की बात कही गई, आपने हर चीज में आधार की अनिवार्यता लगा दी, और मोबाइल खरीदने पर पूरा देश जानता है, किसी से छिपा नहीं है, जियो जियो हो गया चारों तरफ, और उस जियो जियो के पास कितने करोड़ आधार के डेटा पहुंच गए, आधार कार्ड पहुंच गया, ये भी सारे लोग जानते हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को जिन्होंने आधार कार्ड का डेटा इकट्ठा किया है उनको सारे डेटा मिटा देने चाहिए। क्या आज तक इस दिशा में सरकार ने कोई कदम उठाया माननीय? क्या उन टेलीकॉम कंपनियों ने जो आधार कार्ड की जानकारियां इकट्ठा की थी, आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिया था मोबाइल बांटने के नाम पे, क्या वो डेटा मिटाए गए माननीय? इसको कौन सुनिश्चित करेगा, इसको कौन देखने का काम करेगा? इसके साथ साथ 88 करोड़ बैंक के खातों और 70 करोड़ मोबाइल को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है पहले ही। तो अब बचता क्या है, क्या बचा रहता है? सारी जानकारियां जब जिस व्यक्ति के बारे में चाहे, जब महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर का, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का डेटा लीक हो सकता है, तो किसी भी व्यक्ति का जिसका आधार कार्ड जमा कराया गया है अलग अलग कामों के लिए, उसका पूरा डेटा, उसकी निजी जानकारियां, उसकी व्यक्तिगत जानकारियां, बैंक खातों से लेकर सारे डिटेल जब चाहे लीक हो सकते हैं, जब चाहे उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बाकी मेंबर्स के साथ अपनी सहमति जताते हुए जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे कहा था उसको कृपा करके मानिए, और डेटा प्रोटेक्शन बिल लाकर लोगों की निजी जानकारियां कैसे सुरक्षित रह सकेंगी, इस बात को पहले सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद इस बिल की बात कीजिए, तो शायद ज्यादा सही होगा और शायद ज्यादा सार्थक कदम और प्रासंगिक होगा। लेकिन आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनना है, लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना है, लोगों की जानकारियां लीक ना होने पाए इसके लिए आप कोई कानून नहीं लाना चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर सवाल उठता है। मैं माननीय यही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, धन्यवाद।